लोकसभा के पहले चरण का मतदान हो चुका है। तमाम पार्टियां अब अगले चरण की चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। वहीं अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव पांचवें चरण में है। वोटिंग में महज एक महीने का वक्त बचा है, मगर अभी तक कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि अमेठी से फिर एक बार मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी मैदान में हैं और वो लगातार अमेठी और रायबरेली की सीट पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली सीट पर हार का डर सता रहा है और यही हार का डर इन दोनों सीटों पर कमल खिलाने में मदद करेगा। अभी तक अमेठी में कोई दूसरा पार्टी आया नहीं ना, क्या कैसे फेस कर रहे हैं लोगों जाकर के? चुनाव के प्रचार को 30 दिन बचा है। भारत की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया। यही संकेत है इस बात का कि कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार करती है कि अमेठी और रायबरेली दोनों में कमल का फूल ही खिलने वाला है। अमेठी की जनता के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। 5 वर्ष सतत सांसद के नाते नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार में अमेठी की जो जो दरकारी थी उसको मैं पूरा कर पाई। अब नए संकल्प के साथ कि हर विधानसभा में 5 सालों में प्रति विधानसभा विशेष 50 कार्य हम कर दिखाएंगे, यही संकल्प लेकर हम घर घर गाँव गाँव जा रहे हैं। दीदी, लगातार आप कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही, जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? आप इसके साक्षी हैं, जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम स्वर्गीय दल बहादुर कोरी जी के गांव में हैं। यहां पर भी आपने देखा सूर्य ढल चुका है, लेकिन यहां पर खचाखच जनता जनार्दन उपस्थित हुई है अपना आशीर्वाद देने के लिए। वही इस बात का संकेत है भैया, अगर जनता संग ना होती तो क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी अब तक घोषित ना करती। थैंक यू दीदी। अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं, मगर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। अमेठी सीट पर राहुल की उम्मीदवारी को लेकर फैसला वायनाड में वोटिंग के बाद होगा। अगर चुनावी माहौल राहुल गांधी के पक्ष में नहीं रहा तभी राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस पर लगातार तंज कस रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।